पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि जिसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको अगले दिन गालियां दी। मुस्तफा कमाल के इल्जामात संजीदा नौयत के हैं। उनका यह भी कहना था कि अगर मुस्तफा कमाल के इल्जामात में हकीकत है तो जिम्मेदार लोग इसके जिम्मेदारान का तायुन करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि जिसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको अगले दिन गालियां दी। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्तफा कमाल के इल्जामात संजीदा नौयत के हैं, अगर मुस्तफा कमाल के इल्जामात में हकीकत है तो जिम्मेदार लोग इसके जिम्मेदारों का तायुन करें। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। कल टूटे, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए, सियासत छोड़ी, पार्टी छोड़ी, मेंबरी छोड़ी, फिर एकदम एक और ड्रामा हुआ, फिर दोबारा रिकंसिलिएशन हो गई, वापस आ गए और वापस आके जिनके साथ चंद घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी उनको फिर गालियां दी। आज उसका जवाब गजल आ गया। ये मैं समझता हूँ, मैंने वो सारी तफसील नहीं सुन सका, लेकिन जो मेरे तक इल्म में मेरे बात आई है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़े सीरियस इल्जामात लगाए। इन इल्जामात की प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। अगर इन इल्जामात में कोई जान है तो जिम्मेदारों के खिलाफ, जिम्मेदारों को खुद उसका तय्यून करना चाहिए कि उसका क्या इलाज है, और ये सियासत के अंदर मुदाखलत का काम बंद होना चाहिए।